ओ ये तो बहुत डीप कट है वे। मैंने रख दिया है, पैर टूट गया है गाइस। मैंने हमेशा बोला है मंसूर अंबानी के चाचा का बेटा है। हेलो हाय गाइस वेलकम बैक। आज हमारा पैकिंग डे है, यू कैन सी हम लोगों का मेस देख के आप लोगों को पता चल जाएगा। तो फर्स्ट थिंग कि हमारा पैकिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलरेडी पैक्ड, जो हमारा कपड़ा है वो सब अभी किचन का और बहुत सारा सामान पैक नहीं हुआ है। बट सबसे पहले हमारे पास ये सब है, डोनेशन का कपड़ा बहुत है तो हम डोनेशन का कपड़ा और वो सब पैक कर रहे हैं, क्योंकि अलग से फिर बाद में ना डोनेशन देखने का जगह में ढूंढने जाना है ना। तो हमारे पास बहुत सारा सामान है जो हम अभी डाल रहे हैं, तो एक बक्सा में फिट नहीं हो रहा है। अभी हमने रास्ते से ना बक्सा लिया है, 30 रुपए में एक बक्सा, तो 2 बड़ा बड़ा बक्सा मिला है हमको। अभी डोगा पैक कर रहा है। अभी हम सोच रहे हैं हमारे घर के पास में इधर पास में ना एक स्लम जैसा एरिया है छोटा सा, वहाँ पे मैंने लोगों को बैठते हुए देखा है। अभी ऐसे जाके ना उन लोगों से पूछेगा इफ दे वांट ब्लैंकेट और एटलीस्ट वो हमारा मैट्रेस है ना, फोल्डेबल मैट्रेस और ब्लैंकेट वो सब कुछ है ना, पूछेगा इफ दे वांट इट। बहुत मुश्किल है, बहुत थक गया। हम लोग नीचे गया था ना डोनेशन देने, वो था 2 घंटे पहले। हम लोग नीचे गया था वो हमारे पास वाला स्लम वाले एरिया का लोगों को पूछने वाला था कि उन लोगों को कारपेट मैट्रेस ऐसा चाहिए बोल के। बट हमारा वहाँ पहुँचने से पहले लांगा मेला रास्ता में एक कबारी वाला भैया मिल गया, तो हमने पूछा था कि वो है ना पेपर ऐसा लेता है ना बक्सा ऐसा प्लास्टिक, तो हमने पूछा कि लाइक बिकॉज इज कबारी वाला, मैंने पूछा कि डू यू वॉन्ट लाइक थिंग्स हाउस होल्ड आइटम्स, तो उसे बोला। तो मैंने पुराना बर्तन और मेरा ऐसा ऐसा वाला फोल्डेबल मैट्रेस है ना ऐसा चार है, चार में से 2 वो भैया लेके गया, और प्लास्टिक का टेबल प्लास्टिक का चेयर जो मतलब यूजलेस है वो सब वो भैया लेके गया, और जो पुराना एक कूलर था ना वो भी भैया को दे दिया। तो क्योंकि हम लोग जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहते थे, और अभी डोनेशन वाला काम अभी भी बचा है। ये देखो ये हमारा कपड़ा जो लेके जाने वाला, ये बक्सा एक डोनेशन का है, ये पूरा बक्सा एक डोनेशन का है, ये बक्सा डोनेशन का है, ये दोनों अभी बहुत भारी है, हम लोग लेके जा नहीं पा रहे हैं। तो और ये भी डोनेशन का है, कंबल एंड वो सब, और मैट्रेस ये भी डोनेशन का है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले ना कि रूम देखो ऐसा हो गया है अभी, ये देखो। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं नीचे, क्योंकि तब हम नहीं जा पाए। नाउ वील गो, मैं और बहन यहाँ पे है। अब हम लोग नीचे जाके पूछते हैं कि किसी को चाहिए बोल के सामान, और जूता भी बहुत है ये देखो। चलो ओके गाइस, हम रास्ते में हमारा ओनर मिल गया। यहाँ पे स्लम एरियाज है जहाँ पे हम लोग अभी पूछने जा रहे हैं, बट हम कैमरा नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं ना, उन लोगों को चाहिए फिर भी है ना वो लोग है ना कैमरा दिखेगा तो नहीं लेता है ना, तो इसलिए हम लोग बस जाके पूछने वाला है। इसके पीछे मैंने देखा है बहुत सारा लोग बैठते हैं, दिख रहा है गाइस यहाँ पे है, यहाँ पे पूछ सकते हैं। यहाँ पे कब लोग फे शंबा जी दा दीदा फे बरो दिस लोगा लोगा रश फे लमा है सर रे। ये देखो गाइस एक्सीडेंट हो गया है यहाँ पे। वाओ कूल, पहले धो के आओ, कितना बड़ा है देखेंगे, छोटा सा है रो रहा है, छोटा सा चोट लगा ही बोल रहा है। पहले तो ना लड़ों को देखो जो है ना छोटा सा चोट लग के ना चिल्ला रहा है, उसके ऊपर मंसूर है जो बोल रहा है कि इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, हॉस्पिटल ले चलो इतना सा छोटा चोट के लिए, कौन हॉस्पिटल जाता है पता नहीं। बैंडेज लगाओ बैंडेज, क्या 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 दिखाओ, अभी दिखाओ, धो के दिखाओ, इतना छोटा सा है, इतना छोटा सा, इतना छोटा सा है, इतना चिल्ला रहा है, एल शेप है ये गाइस, ये देखो इतना छोटा सा चोट लगा है, और फिर भी
मैं कब से इन लोगों को बोल रहा है कि काम मत करो, जब मूवर्स एंड पैकर्स आएगा तो वो लोग खुद करेगा, मत करो मत करो, और लाड़ियों को काम करना है करके मेरे जैसे आराम से बैठो, पैसा दे रहे हैं तो वो लोग सब कुछ करेगा। टेटनेस लगाना है, वो वाला रस्टेड है, कहाँ रस्ट है, छोटा सा है ना, उसमें रस्ट है, रस्टेड है। दिखो लाड़े दिखो, जूम इन इधर का, कहाँ नहीं दिख रहा है कैमरा में तो, इस एल शेप है ना, इसे अमाय इतना छोटा सा छोटे, सो सैड, एल शेप है ना, काइट हाथ कर गया गाचे मैं बहुत तार है। और गाइस हमने ना पूरा पैकिंग वैकिंग पूरा किया ना, घर में पानी नहीं है क्योंकि सब बॉटल सब कुछ फेंक दिया ना हमने पुराना वाला। अभी हमें ना प्यास लगा ना तो हमें ब्लिंकिट करना पड़ा, ये देखो मुझे तो मजा आ रहा है क्योंकि मैंने लाडू को बोला था कि काम मत करो, काम मत करो मैंने बोला था उसको, क्योंकि हम लोग पैसा दे रहे हैं मूवर्स एंड पैकर्स को, तो अभी ये बीमार हो गया, अभी ये कुछ भी नहीं करेगा, अभी देखो अभी ये कुछ भी नहीं करेगा, बीमार हो गया ना, कुछ नहीं करेगा, इसको रीजन मिल गया अभी। बैंडेड नहीं मिल रहा है, बैंडेड मेरे पास है, हमेशा होता है मेरे पास। ओ ये तो बहुत डीप कटे हुए, कहाँ डीप है, अरे यार तुम लोग, मैंने बोला ना अंदर डीप, छोटा सा चोट लगा है, क्या डीप है, बट इंजेक्शन लगाना पड़ेगा ना इसको अभी। मुझे इंजेक्शन नहीं लगाने, क्या थोड़ा वो लगाओ फिर, अगर इसको मंसूर को इतना डर है तो क्या वो थोड़ा लगाओ फिर, डरने की बात है गाइस, मेटल से काटा है तो डर लगेगा ना, तो जाओ जाओ टीटी लगाओ, मुझे पेन हो रहा है, टीटी तो लगेगा, वो तो कल जाएंगे हम लोग टीटी लगाएंगे। कल क्यों जाएंगे, आज जाओ फिर, आज जाएंगे, मैं नहीं चाहेगा पाप, मुझे डर लग रहा है, एक एक इंजेक्शन लगा दिया, कुछ नहीं होगा, नहीं नहीं जाओ जाओ टीटी बहुत दर्द करता है, खाता छुई मारा, ये लगाओ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ कितना अच्छा बैंडेज है, ओके मैं पूरा लगा दिया लड्डू, वाह अभी तो एक बीमार आदमी भी आ गया घर में। ओके गाइस अभी सोफा, भैया सोफा लेके गए हैं सबसे पहले, और वो लोग ऐसे बक्सा लेके आए हैं, सोफा हमारा बहुत भारी है, अंधेरा हो गया, ऑलरेडी अंधेरा हो गया गाइस, ओ माय गॉड हमने अभी शुरू किया है। ओके गाइस भैया लोग है ना थर्मोकोल सब लेके आए ग्लास आइटम डालने के लिए, अभी भी हो रहा है, थर्मोकोल मारे खड़े, बबल रैप अभी भी हो रहा है, किचन का आइटम गाइस बहुत ज़्यादा थक गया, अभी फाइनली सब कुछ हो गया है, मतलब सब कुछ निकल गया, बहुत सारा गार्बेज भी पड़ा है, टीवी इज लेफ्ट, और ये तो ओनर का कबर्ड है तो ये सब तो गार्बेज है, ये सब है, और बाय बाय हाउस, अब इस हाउस को घर को बाय बोलना पड़ेगा, इस घर को। ओके गाइस वी आर लीविंग द हाउस नाउ, अब हम जा रहे हैं, ये हमारा गाइस अभी लास्ट है ना, चेयर डाल रहा है, और हमने गाड़ी में भी थोड़ा सामान डाला है, हम लोग अब पहुंच रहे हैं, इट इज 10 PM, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और हम लोग को बहुत टाइम लगा, 2 घंटा लगा रास्ते में, और ट्रक है ना हमसे पहले भी पहुंच गया है, हम लोग लेट हैं, और रास्ता लिए ना हम लोग ना कोरमांगला में बहुत ट्रैफिक था फंस गया, अभी हम लोग गेट के अंदर घुस रहे हैं, ट्रक उधर बैठा है, ये देखो ट्रक वाला भैया देखो हमसे भी पहले पहुंच गया है, देखो भैया शिफ्ट भी करना स्टार्ट कर दिया, भैया तो काम भी शुरू कर दिया है, मेरे दोस्त है ना बेचारा, मेरा दोस्त को बहुत काम दिया गाइस आज, मेरा दोस्त ने पूरा रूम सब साफ करवाया क्योंकि हम लोगों को वहां से यहां तक आने में बहुत टाइम लगा ना, तो सब मेरा दोस्त ने किया, सफाई करवाया सबसे, क्लीनिंग सब करवाया, पेंटिंग सब करवाया, सब मेरा दोस्त ने किया। मंसूर तो पार्किंग कर रहा है, मैं और दुआ
जा रहे हैं हाथ में बैग लेके, तो भैया देखो शिफ्टिंग शुरू कर दिया है। ओके गाइस, अभी शिफ्टिंग चल रहा है। पापा ने बोला है ये लगाने के लिए, नया घर है, बुरी नज़र से बचाने के लिए। हो गया गाइस, लगा दिया। अभी भैया आराम से शिफ्ट कर रहे हैं वन बाय वन, रखने के लिए बोला है। घर में लक्ष्मी आएगा, बोला एक मिनट में दिखाएगा। ये देखो, डैड ने बोला ये रखो बाल्टी में पानी और थोड़ा सा दूध और फिर ये खता लगा के। मैंने रख दिया है, हाँ काम हो गया मेरा। ये भी मैंने रख दिया और ये भी मैंने लगा दिया है। नहीं बुरा नज़र आएगा, अभी कोई बुरा नज़र भी नहीं आएगा और लक्ष्मी भी आएगा। ओके गाइस, बहुत थक गया। अभी क्या हुआ मैं बताता हूँ। हमारा सोफ़ा है ना, ट्रांसफ़र करते टाइम पे सोफ़ा का पैर टूट गया है। ओ माय गॉड, ये देखो पैर टूट गया है गाइस, पता नहीं क्या करना है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर हियर, और अभी टेबल मैट्रेस वो सब आना बाकी है, और दोगा सामान पूरा इधर निकल रहा है। गाइस, आज अंकिता ने बहुत काम किया है। कुछ नहीं किया हमारे आने से पहले, पूरा घर का साफ सफाई सब अंकिता ने करवाया, और बट फिर से हमने गंदा कर दिया। और क्या हुआ ना गाइस, वो सोफ़ा है ना, ले आते टाइम पे सोफ़ा का एक पैर टूट गया है बिकॉज इट्स वेरी हैवी, और अभी पूरा सामान इधर बिखरा हुआ है। वी डोंट हैव एनर्जी, हमें भूख लगा है क्योंकि हमने खाना खाया था, आई डोंट नो सुबह खाया था 11 बजे, उसके बाद कुछ नहीं खाया। अभी रात का क्या बजे है, ओ माई गॉड, इट्स 11:30 यू नो, 11:30 PM। वो तो आराम से कर लेंगे, ये सब तो ठीक है। और अभी हम लोग अंकिता के घर जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, मुँह हाथ मुँह धोएंगे और सेटिंग सब बाद में करेंगे। और वो जो क्या है, पैकर्स एंड मूवर्स है ना, हमने उसको दिया है 6,000 रुपये फॉर शिफ्टिंग एवरीथिंग। हमारा बहुत सारा सामान है ना इसलिए, पर लेकिन वो भैया लोग और ऊपर से टिप्स मांगा, लेकिन टिप्स के लिए हमारे पास चेंज नहीं था। स्टार्टिंग में हमने सोचे थे ठीक है 100-100 रुपये टिप्स देंगे, फिर जिस तरह से वो लोग सामान इतना लेके इतना थप्पे कर, सिर्फ दो मुझे लगा चार लोग आएगा, तो दो आदमी के लिए बहुत काम है ना, तो हमने सोचा ठीक है 200-200 रुपये देंगे। फिर क्या हुआ, हमारे पास 400 रुपये का चेंज नहीं था, फिर हमने उन लोगों को 500 रुपये दिया था, ठीक है। फिर वो भैया बोल रहे हैं मैडम हम 500 कैसे बांटेंगे, 250 ब्रो, पर ही इज लाइक मैडम एक और 100 दे दो, हम लोग 300-300 करेंगे। मंसूर नहीं, 500 देख के खुश हो गया। मंसूर नहीं है, मंसूर तो हमेशा ऐसे ही करता है, वेटर को 100-100 रुपये फेंकता है। मंसूर के पास, मैंने हमेशा बोला है मंसूर अंबानी के चाचा का बेटा है। पैकर्स एंड मूवर्स का प्राइस बोला था 6,500, बार्गेनिंग कर करके 6,000 तक घटाया, फिर बाद में टिप्स दे दिया 600 रुपये। वो तो अच्छा है ना, जितना बात ओनर को नहीं जाता है, काम करने वालों को पैसा, क्योंकि वो ना पैकर्स मूवर्स को भेजेगा तो उन में से उस 6,000 में से इन लोगों को कितना मिलता है वो हमको नहीं पता है, बट अगर उन लोगों के हाथ में जो मिलता है वो उन लोगों का टिप्स होता है, तो अच्छा है ना। तो इसलिए अभी हम लोग अंकिता के घर जाएंगे, हाथ धोएंगे, फिर हम लोग खाना खाएंगे गाइस। ओके, वाओ डिनर, ये इतना सारा काम करने के बाद फाइनली हम लोगों को खाना मिला, पूरा दिन भूखा रह के एक खाना, पर एक्चुअली एवरीथिंग स्पाइसी। मंसूर आई थिंक तुम्हें थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। ये देखो गाइस कितना अच्छा दिखता है, मलाई चिकन समथिंग। गाइस इस घर में सब लोगों को केक खाने का मौका चाहिए, तो दिस इज आवर वेलकम केक, क्योंकि हम कैंडल भी मिला यहाँ भी शिफ्ट हुआ ना, मेरे दोस्त केक लेके आया है। किधर है लाइटर तेरा, ये ले कैंडल फॉर कॉन्फर्मेशन। ओके 1 2 3 विश 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 हो गया, विश हो गया। हां वेलकम टू जी, नया घर का
कुछ मीठा और चाहिए। चल सबसे पहले उठा और विटनेस को लेना, विटनेस हमारा विटनेस पेपर भी साइन किया इसकी वजह से। और ये लोग अभी केक खिला रहा है, देखो मैं कैमरा कैसे पकड़ रहा है। आल चुंची मोजमो ये सिर्फ छोटा सा खाएगा बोल रहे हैं। मुझे खाना है पर छोटा खाना है क्योंकि बहुत बहुत टेस्टी। काटू काटू मैं हूं अंकिता। हाय एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल। हमारा मुपार गाइस खा लो ले लो केक ऐसा पता नहीं गाइस। हम लोग अंकिता के घर में टेस्टी सा खाना खाया, अब हम लोग जा रहे हैं रूम में वापस। अभी टाइम है 1 AM। बहुत थक गया आज पूरा दिन काम कर करके, अभी रूम का सेटिंग बिल्कुल भी नहीं किया है, बहुत काम बचा है बट अब नहीं करेंगे, हम लोग सो जाएंगे और हम लोग कल करेंगे। ओके गाइस सी यू सून बाय। ओह बाय बोलो, बाय गाइस।